देखो कैसा बना है फोर फोर, बढ़िया बना है, दिख रहा है, अच्छा बना है, खूबसूरत। देखो तो ये चार पोल भी बना सकते हैं हम लोग, बस ये चार इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिए, ठीक है। जैसे चार आयरन का पार्ट ले लो इस तरह से, और यहां पर फील्ड वाइंडिंग लाके रैप कर दो, और कुछ पोल ऐसे क्रिएट करवा दो। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल, ये यहां पर बन जाए साउथ पोल और यहां पर बन जाए साउथ पोल। ये क्या हो गया हमारा, फोर पोल मशीन हो गई। दिस इज द फोर पोल मशीन, एकदम मस्त, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से चार पोल बन गए, ठीक है। अब देखो यहां पर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल से फ्लक्स बाहर निकलेगा और यहाँ पर इस साउथ पोल में कुछ ऐसे इंटर करेगा, नॉर्थ टू साउथ, फिर यहाँ से साउथ पोल में इंटर और यहाँ नॉर्थ पोल में बाहर, फिर यहाँ से इस नॉर्थ पोल से बाहर और यहाँ पर इस साउथ पोल में ऐसे इंटर, फिर यहाँ पर नॉर्थ पोल से बाहर और इस तरह से साउथ पोल में इंटर, ऐसा ही होगा ना फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहां से भी फाइनली ऐसे दिखा सकते हो, कंप्लीट पाथ फ्लक्स का। ये कंप्लीट वाला मैं दिखाने के चक्कर में नहीं हूं, ऐसे दिखा सकते हो, इस तरह से फ्लक्स आए। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स हियर। यहां पर फ्लक्स का एक्चुअली इस तरह का कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ऐसे। इस तरह से यही होगा। देखो यहां पर नॉर्थ पोल से यहां से बाहर जाएगा, यहां साउथ पोल में फ्लक्स इंटर करेगा, फिर यहां से नॉर्थ पोल से बाहर इस साउथ पोल में हमारा इंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स यहां पर पोल क्रिएट करते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ के बाद साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, इस तरह, कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह यही होगा ना, तेरा डीसी मशीन स्टार्ट है ना। हाँ डीसी मशीन स्टार्ट ही समझो इसको, ये सब जितना भी अभी बेसिक पढ़ रहे हैं ना, ये सब डीसी मशीन का ही बेसिक है, ठीक है। बेसिक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो डीसी मशीन में ही अप्लीकेबल होगा, हर जगह पर उसको हम लोग देख सकते, ठीक है। प्रोजेक्टर पोल कल देखे थे कि किस तरह से स्टेटर पर प्रोजेक्टेड पोल बना होता है, देखे थे। कभी भी कोई डायग्राम में डाउट हो ना, गूगल पे सर्च कर लो, जैसे एक्चुअल स्टेटर ऑफ डीसी जनरेटर या फिर मोटर, इस तरह से गूगल पे सर्च करोगे दिख जाएगा किस तरह का। चलो ठीक है, बन गया, बना लिया इसको सारे लोग, तो यहां पर देखो यहां पर इस तरह से हम लोग कुछ पॉइंट ज़ूम कर लेते हैं। यहां पर देखो एक पॉइंट यहां पर एज्यूम करो, यहां से हमें स्टार्ट करना है, पॉइंट वन से, पॉइंट वन यहां पर है, यहां पर कुछ पॉइंट टू है, यहां पर हमारा पॉइंट थ्री है, यहां पर पॉइंट फोर है, यहां पर पॉइंट फाइव है, यहां पर पॉइंट सिक्स है, यहां पर पॉइंट सेवन,
फिर यहां पर एट, फिर सेवन, यानी कितना यहां पर पॉइंट आएगा, एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट। और इसको यहां पर हम लोग रेफरेंस एक्सिस ले लेते हैं, इसको थीटा इजकल टू जीरो पोजीशन, यहां से कुछ देखते हैं हम लोग, इसको यहां से रेफरेंस ले लो, कहीं से भी ले सकते हैं। अगर मैं यहां से रेफरेंस लू, यानी यहां पर कुछ मैं मान लेता हूं थीटा इजकल टू जीरो, और हम लोग इस डायरेक्शन में देखना शुरू करें, तो यहां पर आप लोग जरा सोच के देख के बताओ कि कहां कहां पर फ्लक्स कटिंग जीरो होगा, किस किस पॉइंट पर फ्लक्स कटिंग जीरो होगा, कहां कहां पर फ्लक्स कटिंग जीरो लग रहा है। कहां कहां पर जीरो लग रहा है देखने पर, सत्यजीत कह रहा फोर और एट पर, और कहां पर सत्यजीत, और कहां पर, टू सिक्स फोर एट, अभिषेक कह रहे हैं कि टू सिक्स फोर एट पर फ्लक्स कटिंग जीरो होगा सर, बहुत बढ़िया सत्यजीत। टाइम काम कह रहा है वन एंड फाइव, देखो यहां पर कहां कहां पर होगा, ये सारा पॉइंट, ये जैसे वन है, थ्री है, फाइव है यहां पर, फिर ये सेवन है, इस सब पर फ्लक्स कटिंग जीरो होगा, दिखा भी सकते हो यहां पर। जैसे पॉइंट वन पर अगर हमें चेक करना हो कि पॉइंट वन पर क्या होगा, तो कैसे चेक करोगे बताओ, पॉइंट वन पर आप लोग कैसे चेक करोगे, जैसे हमें चेक करना है एट पॉइंट वन, पॉइंट वन देखो तो कहां पर है, किस तरह से पॉइंट वन, एक दो मैं दिखाऊंगा, पूरा तो मैं दिखाऊंगा नहीं, देखो पॉइंट वन ए वाला है ना, मेरे पेन को देखो, इधर के सरफेस पर है, यानी पॉइंट वन जो है हमारा, ऐसे बन रहा था, देखो पॉइंट वन कहीं यहां पर है कि नहीं है, बोलो पॉइंट वन यहां पर है कहीं, यहां पर अगर हम लोग सरफेस ले तो सरफेस कैसे लेंगे, कुछ इस तरह से सरफेस लेंगे, मेरे हाथों को देखो, यहां पर जो सरफेस आएगा वो सरफेस कैसे आएगा, तो यहां पर अगर आसपास में हम सरफेस एक कंसीडर करें तो सरफेस कुछ ऐसा बनेगा, ए वाला सरफेस, ए वाला सरफेस होगा ना, इसका नॉर्मल एरिया किधर होगा, नॉर्मल एरिया या तो इसका अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, ये आएगा नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन, ये नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन। और पॉइंट वन पर आप बी देखो, पॉइंट वन पर बी देखो किधर है, देखो पॉइंट वन पर यही वाला बी कहेंगे, ये ए वाला हमारा बी है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, देखो पॉइंट वन पर बी का डायरेक्शन, बी कुछ इसी तरह का होगा ना, पॉइंट वन पर जो बी होगा कुछ इसी तरह का होगा, पॉइंट वन के आसपास, जस्ट आसपास फ्लक्स इसी तरह से आएगा ना, कहीं भी देखो, जैसे यहां से देखा जाए, यहां से यहां पर फ्लक्स कुछ इस तरह से, यानी ए वाला पॉइंट वन के आसपास, जस्ट आसपास देखो पॉइंट वन के, यही बोल्ड वाला फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, डी होगा कि नहीं होगा, होगा होगा, यानी पॉइंट वन के जस्ट आसपास यहां पर ये जो बी है हमारा कुछ ऐसा है, इस तरह का कुछ बी है, इस तरह का बी है पॉइंट वन के आसपास बी, तो इस बी और ए में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ आप लोग, सारे लोग देख के, सारे लोग बताओ, सब लोग यहां से देखो,
बोलो आप लोग। कोई डाउट है तो पूछो। संतोष बहुत बढ़िया। संतोष तुम आए हो? और कोई, और कोई? साहिम तुम समझा? किसी को भी डाउट है बोलो कम से कम। तुम देखो वीडियो तो हम करते नहीं हो, तो आंसर दिया करो। अगर नहीं दोगे ना तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे। सत्यजीत अभी एक घंटे के बाद बोलते हो सर, रिपीट कर दीजिए। रिपीट देखो यहां पर आंखों से, आंखों को खोल के देखना है कि पॉइंट वन के आसपास यही वाला बी है ना, पॉइंट वन के आसपास बी तो यही है जो मैं बोल्ड किया हूं। अगर मैं यहाँ लेंस लगा के दिखाऊं, ये भी मेरे पास देखो उपाय है। कहाँ गया मैग्नीफायर? हाँ ठीक, जा आ जा। देखो यहाँ पर सत्यजीत, पॉइंट वन के आसपास। अरे ज्यादा हो गया क्या? पॉइंट वन के आसपास ये जो मैं बोल्ड किया हूं व्हाइट कलर में, यही वाला मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, बी है कि नहीं है? और पॉइंट वन पर जब एरिया लोगे तो पॉइंट वन का एरिया कैसे आएगा? पॉइंट वन स्लोप पर कैसे आएगा? देखो मेरे बोर्ड को, ये है पॉइंट वन के आसपास का एरिया, यानी एरिया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब इधर, पॉइंट वन से नॉर्मल मतलब इधर। पॉइंट वन पर देखो सरफेस ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? पॉइंट वन ऐसे तिरछे है ना, तो वहां पे सरफेस ऐसा बनेगा, ऐसा मेरे हाथों को देखो, इससे नॉर्मल यानी ऐसे, ठीक है? तो यहां पर अगर हम लोग देखे, देखो पॉइंट वन का ए सरफेस ऐसा है, इस तरह का कुछ है, ठीक है? इससे नॉर्मल है ऐसे, तो एरिया इस डायरेक्शन में, और ए वाला बी हो गया हमारा, ए वाला बी हो गया। ये क्या हो गया? देखो ये छोटा सा दिख रहा है बी, और एरिया इधर है, ये एरिया। तो बी और ए में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा? समझ में आया? सत्यजीत बोलो। सत्यजीत जी महाराज समझ में आया? तो पॉइंट वन पर क्या होगा हमारा, बी और ए के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड ए, ए है अल्फा, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो क्या कहेंगे कि बी एन यहाँ पर जीरो आएगा, बी एन जीरो आएगा मतलब यहाँ पर फ्लक्स कटिंग जीरो होगा। पॉइंट टू पर क्या होगा? पॉइंट टू पर बताओ, पॉइंट टू पर फ्लक्स कटिंग क्या होगा, या फिर बी एन क्या होगा? पॉइंट टू पर मैक्सिमम होगा ना, पॉइंट टू पर क्या होगा मैक्सिमम? यहां पर ऐसे देखो, जैसे हमें देखना हो पॉइंट टू, पॉइंट टू, तो पॉइंट टू पर इस तरह से आएगा। ए पॉइंट टू, यहां पर आसपास में एरिया लीजिए, पॉइंट टू पर एरिया कैसा दिखेगा? पॉइंट टू पर एरिया कैसे? पॉइंट टू सरफेस ऐसे है देखो, ऐसे पूरा पॉइंट टू इस तरह के सरफेस पर है। पॉइंट टू के आसपास सरफेस कुछ ऐसे हो, यानी नॉर्मल एरिया,
इधर नॉर्मल एरिया किसी भी डायरेक्शन में, इधर मानो या फिर इधर मानो, ये नॉर्मल एरिया। और पॉइंट टू पर बी देखो, बी तो हमारा इस डायरेक्शन में है ना, पॉइंट टू पर, पॉइंट टू पर, यहां पर, यहां पर पॉइंट टू पर बी का डायरेक्शन पॉइंट टू के आसपास यही वाला है ना, देखो पॉइंट टू के आसपास ए वाला बी का डायरेक्शन है कि नहीं है, पॉइंट टू के आसपास बी ऐसे पास कर रहा, यानी पॉइंट टू के आसपास बी हमारा ऐसे है। यहां पर बी और ए के बीच में एंगल कितना है, जीरो डिग्री लिखो या फिर 180 डिग्री लिखो, यही अल्फा। जीरो डिग्री का मतलब यहां पर बी एन मैक्सिमम, ठीक है, साउथ पोल के अंडर में पॉजिटिव मान लेंगे और नॉर्थ पोल के अंदर में नेगेटिव मान लेंगे। इसी तरह से अगला जीरो फिर कहां पर मिलेगा, नेक्स्ट जीरो इसी तरह फिर नेक्स्ट जीरो हमारा कहां पर मिलेगा, सत्यजीत जी, सत्यजीत जब डाउट पूछता है ना, अच्छा तब वीडियो ऑन हो जाता सत्यजीत का, जब डाउट खत्म फिर वीडियो ऑफ। सत्यजीत ऐसा क्यों करते हो आप, अभिषेक समझा बात को। अब अगला नेक्स्ट नेक्स्ट जीरो कहां पर होगा, हाँ अगला नेक्स्ट जीरो देख लो आप लोग, अगला नेक्स्ट जीरो थ्री पर होगा, कहां पर होगा, थ्री पर, फिर अगला जीरो फाइव पर, फिर अगला जीरो सेवन पर, बात समझ में आया, थ्री पर होगा कि नहीं होगा बोलो, समझा, थ्री पर चेक करो, थ्री पर सरफेस कैसे बनेगा, सरफेस बताओ कैसा बनेगा थ्री पर, हाँ देखो सरफेस जो मैं बनाने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, एक्चुअली ये तुम लोग दूर हो ना, पास में होते तो मैं बहुत अच्छे से बता देता, अब पता नहीं मेरी हाथ तुम लोग को कैसे दिखाई देता है। फाइव फाइव देखो ऊपर है ना, तो फाइव पर ऐसे बनेगा, ऐसे थ्री पर था ऐसे, इस तरह का सरफेस थ्री पर, टू पर आ जाएगा ऐसे, पूरा ऐसे टू पर, फाइव पर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा सरफेस, फिर सिक्स पर ऐसे हो जाएगा, फिर सेवन पर ऐसे हो जाएगा, एट नहीं ऐसे ही होगा ना, बात समझ में आया, टू पर कैसे, टू पर ऐसे, थ्री पर कैसे, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा थ्री वाले पर, इस तरह का सरफेस, फोर वाले पर इस तरह का बन जाएगा सरफेस। संतोष कह रहा बहुत हैंडसम लग रहा है सर, थैंक यू संतोष, हाँ बोलो 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 बोलो, संध्या क्या पूछ रही हो, ठीक है, संतोष इसलिए बोलता है ना कि इसको भी कोई बोले तुम भी हैंडसम लग रहे हो आज, सत्यजीत जी तो पता नहीं है वो शक्तिमान के किल्विस बने रहते हैं अंधेरा में, सत्यजीत देखो यहां पर, तो अगला जीरो कहां पर होगा, अगला जीरो यहां थ्री पर होगा, थ्री पर देखना चाहते हो तो देखो मैं बता दे रहा हूं, एक बार थ्री पर भी देख लो, थ्री पर देखो सरफेस कैसे बनेगा, थ्री यही वाला है ना, थ्री कहीं हमारा यहां पर है, देखना थ्री यहां पर है, इसके आसपास कैसे सरफेस बनाओगे, इसके आसपास कुछ इस तरह का हमारा एक पतला सा स्ट्रिप, एक पतला सा स्ट्रिप, बहुत स्मॉल छोटा सा स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे, ये देखो मैं एक्चुअल में ना दिखा देता हूं थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, लेकिन ये है ऐसे, देखो थ्री पर सरफेस ऐसे है, इस तरह से बनाने ही नहीं आता, इस तरह का, यानी इसका नॉर्मल एरिया जो होगा कुछ इधर होगा, थ्री पर नॉर्मल एरिया इधर, दिस इज द नॉर्मल एरिया थ्री पर, ए वाला नॉर्मल एरिया है, और थ्री पर बी देखिए, थ्री के आसपास हमारा बी कुछ इस तरह का, बिल्कुल एक स्मॉल स्ट्रिप लो, छोटा सा
तो ये वाला एंगल आप कहोगे कि सर ये 90 डिग्री दिखेगा बी और ए के बीच में, ठीक है। बात समझ में आया सत्यजीत जी? बंद कर दिए डाउट खत्म। वाह क्या फ्लैश फ्लैश नाम इस बार नाम चेंज कर दिया क्या? रोज नाम बदल जाता है, है? देखने में लग रहा है थोड़ा सा कट कर। देखो संतोष, हम लोग एक पॉइंट की बात कर रहे हैं ना बाबू, थ्री इज ए पॉइंट। थोड़ा उस पॉइंट को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आसपास एक डिफरेंशियल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। वो डिफरेंशियल सरफेस भी नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए एक पॉइंट। तो अगर एक बहुत छोटा सा डिफरेंशियल सरफेस दिखाओगे तो जो बी आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। बोलो बी हमारा ऐसे है, देखो पॉइंट थ्री के पास ऐसे है, इस तरह का बी है कि नहीं है? पॉइंट थ्री से देखो उधर नॉर्थ पोल से निकल रहा है और इधर साउथ पोल में जा रहा। लेकिन अगर एक बहुत छोटा स्मॉल स्ट्रिप देखे यहाँ पर, डिफरेंशियल स्ट्रिप देखे, तो उसको एक स्ट्रेट लाइन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तब एंगल कितना दिखेगा बी और ए के बीच में? प्लस का वास्तविक नाम राहुल है। देखो सत्यजीत जी के बहुत टेंशन है तुम्हारा, समझ गए संतोष? तो एक स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ लेते, इतना छोटा लेंथ जिसको निगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन अब क्या करोगे दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है बी। और किसी को डाउट है बोलो? राहुल समझा पक्का? अरे वाह, दो चार दिन से तुम गायब था क्या? नहीं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब क्या किया जाए, अब दिखा दिया जाए। अब बताओ क्यू एक्सिस कहाँ कहाँ पर बनेगा? कंचन तुम बोलो क्यू एक्सिस कहाँ कहाँ बनेगा? क्यू एक्सिस जहां जहां पर फ्लक्स कटिंग जीरो, वहां वहां पर क्या बनेगा? क्यू एक्सिस होगा वो एक्सिस। देखो यहां पर जैसे ए वन और फाइव क्यू एक्सिस होगा, फिर ए सेवन और थ्री, ए वाला भी हमारा क्यू एक्सिस होगा। तो दिस इज द क्यू एक्सिस। ए वाला क्या होगा हमारा? ये दोनों क्यू एक्सिस होगा, क्यू एक्सिस, ए भी क्यू एक्सिस। डी एक्सिस कहां कहां पर बनेगा? तो यहां पर आप लोग दिखा दो, देखते एक रेड कलर दिख रहा है क्या? रेड कलर तुम्हें देखो, एक टू और सिक्स यहां पर फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम है, फोर और एट पर भी फ्लक्स कटिंग अभी मैक्सिमम है, तो ए डी एक्सिस बन जाएगा इस केस में। डी एक्सिस हमारा कौन कौन सा आएगा? एक तो ए वाला आएगा डी एक्सिस, और एक ए वाला आएगा डी एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस।
जहां पर बी एन का वैल्यू मैक्सिमम हो, इस तरह से। हाँ वाह कंचन, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन, वेरी गुड। रेड कलर वाला दिख रहा है ना, अभी बनाए थे डी एक्सिस, देखो कितना कितना खूबसूरत डायग्राम बना दिए, बना दिए एक नहीं बना दिए। अब इसका वेव फॉर्म बना लीजिए, बना लिए, हो गया क्लियर डन। अब इसका वेव फॉर्म बनाओ, एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जहां पर फ्लक्स कटिंग जीरो हो, ठीक है, सिंपली उसको इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं। ई एक्सिस वो एक्सिस होता है जहां पर फ्लक्स कटिंग मैक्सिमम हो, यानी जहां पर बीएन मैक्सिमम, जहां पर बीएन जीरो उस एक्सिस का नाम क्यू एक्सिस देते हैं, जहां पर बीएन मैक्सिमम उस एक्सिस का नाम डी एक्सिस देते हैं। अब इसका काम क्या है, तो काम आगे पता चलेगा, ठीक है, नाम क्यों देते हैं, इस नाम को देने के पीछे हमारा मकसद क्या है, क्यों हम फोकस कर रहे हैं अभी से कि ये क्यू एक्सिस से डी एक्सिस है। न्यूट्रल कह सकते हैं, क्यू एक्सिस इज बेसिकली ए मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। क्यू एक्सिस क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बी एन क्या है, जीरो है, उस एक्सिस पर कोई फ्लक्स कटिंग नहीं हो रहा, समझ में आया, सब डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं, समझे अभी से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहिम, देखो वाह क्या साहिम दिमाग पाया है, साहिम बहुत होशियार लड़का है। देखो यहां पर अगर मैं बी एन बनाने जाऊं तो बी एन हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर बोलो का वे फॉर्म हमें बनाना है कैसे, तो यहां पर देखो पॉइंट ले लो, दिस इज पॉइंट वन, ए वाला है पॉइंट टू, ए वाला है पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, पॉइंट सेवन, पॉइंट एट, पॉइंट वन, और इधर हमारा एंगल थीटा एंड ए हमारा बी एन, ठीक है। देखो साउथ पोल के अंडर में ए एजम्पशन है, साउथ पोल के अंडर में पॉजिटिव मान लो, नॉर्थ पोल के अंडर में निगेटिव मान लो, या फिर साउथ के अंडर में निगेटिव तो नॉर्थ के अंडर में पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो टू पर हमारा क्या होगा बी एन मैक्सिमम, थ्री पर जीरो, फोर पर मैक्सिमम बट निगेटिव क्योंकि फोर नॉर्थ पोल के अंदर में आ गया ना, फिर फाइव पर जीरो, सिक्स पर मैक्सिमम पॉजिटिव साउथ पोल के अंदर, सेवन पर मैक्सिमम निगेटिव, एट पर मैक्सिमम पॉजिटिव, फिर वन पर आके क्या हो जाएगा जीरो, यानी इस तरह का कुछ भी फॉर्म, एट देखो नॉर्थ पोल के अंदर में आएगा, एट पर पॉजिटिव नहीं होगा, टू पर मैक्सिमम पॉजिटिव बी एन का वैल्यू बी मैक्सिमम, फोर पर मैक्सिमम नेगेटिव, सिक्स पर मैक्सिमम पॉजिटिव एंड एट पर मैक्सिमम नेगेटिव, ए प्लस बी एम है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ हमारा मिल जाएगा माइनस बी एम, ए वाला होगा माइनस बी एम, बात समझ में आया, ये टोटल एंगल कितना मिल रहा है,
ए वाला 180 होता, ए वाला 360 होता, तो ए वाला कितना हो जाएगा, 360 और ऐड कर दो, 720 डिग्री, ठीक है, 720 डिग्री। इस तरह का कुछ बीएन मिलेगा हमारा, यानी बीएन यहां पर भी साइनोसोडियल आया, बीएन हमारा कैसा आया, बीएम साइन थीटा, यानी बीएन इज हियर आल्सो ए फंक्शन ऑफ थीटा, बीएन इज फंक्शन ऑफ थीटा, इसी को क्या कहते थे हम लोग, बी ऑफ थीटा। हो गया, ये बना, समझ में आया सबको, सारे लोग बोलो समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक चीज दिखेगा, अगर कोई पूछे कि रोटर पर हम लोग कितना डिग्री घूमे, रोटर पर कितना डिग्री घूमे हैं, रोटर पर कितना डिग्री घूमे, रोटर पर वन से चले और कहां पर चले आए, वन पर, यानी रोटर पर कितना डिग्री घूमे हैं, 360 डिग्री, कंचन रोटर पर कितना डिग्री घूमी, 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन बीएन कितना घूम गया, बीएन में कितना डिग्री का चेंज मिला, बीएन 720 डिग्री आ गया ना, तो ये कैसे हो गया, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि जब हम लोग रोटर पर 360 डिग्री घूमे तो ये बीएन 720 डिग्री कैसे आ गया, इसको भी तो 360 आना चाहिए था, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो ये जो रोटर पर हम लोग घूमे, ये अपने लाइफ में पहली बार घूमे, क्योंकि इससे पहले हम लोग रोटर पढ़े थे क्या, इलेक्ट्रिकल मशीन से पहले पढ़े थे नहीं, तो रोटर पर जो घूमे और जिंदगी में पहली बार घूमे, लेकिन ये जो बीएन में एंगल आ रहा 720 डिग्री, ये हमारी लाइफ में पहली बार नहीं है, इस एंगल से हम लोग एक्वांटेड हैं, ठीक है। इस एंगल को जो बीएन के साथ एंगल एसोसिएटेड है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल डिग्री, क्योंकि ये बीएन क्यों आया है, तो बीएन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के वजह से आया, यानी करंट के वजह से आया, तो करंट वोल्टेज और फ्लक्स, इसका जब भी एंगल देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में देखेंगे। लेकिन जो रोटर पर हम लोग घूमे 360 डिग्री, रोटर क्या है हमारा, मैकेनिकल डिवाइस, रोटर क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, तो जो रोटर पर 360 डिग्री हम लोग घूमे वो मैकेनिकल डिग्री, वो क्या है, मैकेनिकल डिग्री, इसी वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा, बात समझ में आया, तो रोटर पर घूमे, हाँ बात समझ में आया। देखो यहां पर देखो आप लोग ऐसे समझो, देखो रोटर, रोटर पर हम लोग घूमे 360 डिग्री, लेकिन बीएन में कितना एंगल मिला, तो ये मिला 720 डिग्री, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल, यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री, थीटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिग्री, और इसको क्या कहेंगे, दिस इज द मैकेनिकल डिग्री, थीटा एम, इसको हम लोग कहेंगे मैकेनिकल डिग्री, ठीक है।
मैकेनिकल डिग्री। तो ये याद रखना आप लोग कि वोल्टेज, करंट, फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, इसका जब भी एंगल देखेंगे, स्पीड देखेंगे, ये सब हम लोग देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री। यहां पर क्या कहोगे कि जो 720 डिग्री है ये कितना है, 2 टाइम ऑफ 360 डिग्री है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को 4/2 कर सकते हैं, इनटू 360 डिग्री है। तो यहां पर 720 डिग्री क्या है, तो 720 डिग्री हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री है। और ये 4 क्या है, 4 क्या है, 4 इज नंबर ऑफ पोल। और 360 डिग्री क्या है, तो 360 डिग्री है थीटा एम। तो ए एक यहां से जनरल रिलेशन मिल गया, जो इलेक्ट्रिकल डिग्री होगा वो क्या होता है हमारा, P by 2, 4 मैं लिख रहा हूं यहां, सॉरी, P by 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ठीक है, तो P इज नंबर ऑफ पोल। जैसे अगर नंबर ऑफ पोल हमारा 2 हो, 2 पोल का मशीन, नंबर ऑफ पोल 2, तो 2 रख दो P के जगह पर, तो थीटा ही किसके इक्वल मिल जाएगा, थीटा एम। तो जो हम लोग पहला कंडीशन देखे थे वहां पर 2 पोल का मशीन देखे थे हम लोग, तो उस केस में देखना कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल आया था मैकेनिकल डिग्री का, यानी रोटर पर भी 360 डिग्री घूमे थे और BN भी हमारा 360 डिग्री मिला था फर्स्ट केस में। ठीक है, तो 2 पोल मशीन के लिए दोनों सेम होगा। इस तरह से यही होगा ना, ठीक है संतोष, बात समझ में आया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इसमें आप देखो ध्यान दो, ये बन गया, हो गया, लिख लिए सारे लोग, नोट हो गया, अब आगे बढ़ा जा। अब थोड़ा सा एक दो पहले बिल्कुल बेसिक चीजें समझने की कोशिश करो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ। रुको रुको, एम पोल पेयर एट द रेट एम डॉट, क्या लिखे हो संतोष तुम, चलो हाँ, पोल इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल डिग्री हमारा इंक्रीज होते जाएगा सेम मैकेनिकल डिग्री पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे समझना, लिख लेना सम बेसिक कॉन्सेप्ट, नोट करके ऐसे लिखना कि बेसिक में भी बेसिक देख रहे हैं। ये तुम लोग शायद पढ़े भी होगे कि नहीं पढ़े हो पता नहीं। जैसे यहां पर देखो ध्यान दो, यहां पर हम लोग दो तरह का आयरन कोर कंसीडर कर, एक आयरन कोर हमारा ये है,
दिस इज द आयरन कोर। थोड़ा मैं ढंग से बना लूं आयरन कोर को एक बार। यही सब फायदा होता है देखो डिजिटल बोर्ड का। अब ये सब डायग्राम बनाने के लिए हमको ऐसे नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी बन जाता। एक आयरन कोर यहां पर है, दो तीन चीजें यहां पर देखेंगे और एक आयरन कोर हमारा यहां पर है। एक आयरन कोर कुछ इस तरह का है। ओहो, टेढ़ा क्यों बनता है? इस तरह से यहां पर भी एक वाइंडिंग लाकर इस तरह से रैप कर दिए यहां पर। अच्छा चलो अच्छे से रैप कर दे, ठीक है बढ़िया से इस तरह से वाइंडिंग लाके रैप कर दिए। और यहां पर भी कुछ वाइंडिंग हम इस तरह से लाके रैप करेंगे, अच्छे से रैप कर दे रहे हैं ताकि चीजें कुछ अच्छे से क्लियर हो। इस तरह से एक वाइंडिंग लाकर यहां पर भी रैप कर दिए। डिफरेंस क्या है कि यहां पर हम एक एयर गैप क्रिएट कर दिए, यहां पर हम क्रिएट कर दिए एक एयर गैप, यहां पर हम लोग बना दिए ये है एयर गैप। एयर गैप, एयर गैप का लेंथ मान लो एल जी है, एयर गैप का लेंथ एल जी। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर क्या क्या होगा इसको जरा देखना है हम लोगों को। इस तरह से बात समझ में आया? तो यहां पर एक चीज बताओ, देखो ध्यान से, अभी बनाना मत, अभी देखो आप लोग, मैं तुम लोग को देख नहीं रहा हूं, अभी केवल एक बार समझो अच्छे से, डाउट होगा तो फिर पूछना है। देखो अगर मैं यहां पर करंट आई दे दूं तो करंट आई हमारा कुछ इस तरह से फ्लो करेगा और इस करंट के वजह से यहां पर हमारा कुछ इस डायरेक्शन में कुछ फ्लक्स मिलेगा और यही फ्लक्स यहाँ आयरन कोर में इस तरह से मूव करेगा। इस तरह से फ्लक्स हमारा आयरन कोर में ऐसे मूव करेगा, यही होगा ना। यहां पर भी अगर मैं सेम करंट आई तो यहां पर भी इस तरह से कुछ फ्लक्स क्रिएट होगा और यही फ्लक्स यहां पर आयरन कोर में साथ साथ में कुछ एयर में जाएगा, ठीक है इस तरह, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान दो, इस केस में फ्लक्स कंप्लीटली किसमें है? फ्लक्स कंप्लीटली इन आयरन कोर। ये आयरन का बना हुआ कोर है, कोई आयरन कोर। तो फ्लक्स के रास्ते में जो रिलक्टेंस मिलेगा हमें, बेटा साउंड कम करो हरदेश, साउंड कम करो करने था लाओ कर देते लाओ हम लोग लाओ हम लोग जाएगा रुक जाओ एक सेकंड। ये तू क्या करता मैडम, देखो यहां पर जो फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस आएगा वो किसका रिलक्टेंस होगा? तो हमारा रिलक्टेंस किसका होगा? तो यहां पर रिलक्टेंस आयरन का रिलक्टेंस होगा। तो जो फ्लक्स मिलेगा हमें, फ्लक्स फाई, वो कितना होगा? एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस ऑफ आयरन। लेकिन इस केस में देखो यहां पर एयर गैप क्रिएट हो गया। इस केस में देखो फ्लक्स ये आयरन में भी जा रहा और साथ साथ में कुछ एयर में भी ट्रेवल कर रहा है ना। यानी इस केस में यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स बोथ इन आयरन एंड एयर दोनों में यहां पर फ्लक्स है।
तो फ्लक्स के रास्ते में जो टोटल रिलक्टेंस होगा, टोटल रिलक्टेंस, वो किसका रिलक्टेंस आएगा? रिलक्टेंस ऑफ आयरन प्लस रिलक्टेंस ऑफ एयर, क्योंकि दोनों को क्रॉस कर रहा है ना फ्लक्स लाइन, आयरन में भी है और एयर में भी है, तो फ्लक्स के रास्ते में दोनों का रिलक्टेंस आएगा, आयरन का भी आएगा और एयर का भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो एयर का रिलक्टेंस होता है, चाहे उसका लेंथ बहुत कम क्यों ही ना हो, एयर का रिलक्टेंस आयरन के रिलक्टेंस से बहुत ज्यादा होता है, तो इस आयरन के रिलक्टेंस को हम लोग कर सकते हैं निग्लेक्ट, आयरन के रिलक्टेंस को क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो टोटल रिलक्टेंस हमें मिलेगा, टोटल रिलक्टेंस, वो किसका रिलक्टेंस मिलेगा? नियरली एयर का रिलक्टेंस मिलेगा, यानी यहां पर फ्लक्स को केवल एयर का नियरली रिलक्टेंस दिखेगा, क्योंकि आयरन का रिलक्टेंस बहुत कम होता है, वो तो उसको दिखेगा ही नहीं। तब यहां पर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा MMF डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस ऑफ एयर, रिलक्टेंस ऑफ एयर। बात समझ में आया यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? बताओ। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है तो बता दो। संतोष, डाउट है कि समझ गया पूरा अच्छे से? हाँ, दो क्लास कर दिए, क्योंकि हम लोग को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ना, ये तो समाप्त कैसे होगा? बोलो, आधा अधूरा हो जाएगा, ज्यादा दिन टाइम लग जाएगा, लड़के बोर हो जाएंगे, भाग भूक जाएंगे कि नहीं हम नहीं पढ़ना हमको, ठीक है, इसलिए दो दो क्लास कर दिया। अभी कुछ दिन तक देखो थोड़ा अभी कुछ फ्री है, तो इस वजह से 10 तारीख के बाद में भी हो सकता है कि कुछ ज्यादा बिजी हो जाए, तो फिर 2 घंटे कर दिया जाएगा। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्लक्स लाइन आयरन में भी जाए और एयर में भी जाए, चाहे एयर का लेंथ कम ही क्यों ना हो, वहां पर उस फ्लक्स लाइन को कौन डिसाइड करेगा? फ्लक्स को कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा एयर का रिलक्टेंस, यानी फ्लक्स को ओनली एंड ओनली एयर का रिलक्टेंस दिखेगा, क्योंकि आयरन का रिलक्टेंस उसके रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता, ठीक है। बात समझ में आया? अभी बहुत टाइम लगेगा संतोष, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? देखो यहां पर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, यहां पर लिख लो ऐसे कि ए फ्लक्स पासेस थ्रू both iron and air
आयरन एंड एयर, आयरन एंड एयर द टोटल रिलक्टेंस, द टोटल रिलक्टेंस, द टोटल रिलक्टेंस, द टोटल रिलक्टेंस इन पाथ ऑफ फ्लक्स, इन पाथ ऑफ फ्लक्स will be the reluctance of, will be the reluctance of air nearly, air nearly, that is total flux, total flux here decided by, decided by, decided by reluctance, reluctance, reluctance of air only. यहां पर जो total flux का amount decide होगा कि flux कितना आएगा, वो कौन decide करेगा, किसका reluctance decide करेगा, तो वो decide करेगा हमारा एयर का रिलक्टेंस, किसका रिलक्टेंस, एयर का रिलक्टेंस। बात समझ में आया, यहां पर बात समझ में आया, क्लियर हुआ? क्लियर है, बहुत बढ़िया, मैंने वेरी गुड। अब देखो ध्यान दो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हम लोग किसका वेव फॉर्म बना रहे थे, जो ग्राफ बना रहे थे वो किस चीज का ग्राफ बना रहे थे, किस चीज का ग्राफ बना रहे थे? संतोष इधर उधर दिमाग नहीं करना है और सुनना है अभी, इधर बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। हम लोग किसका ग्राफ बना रहे थे, बी का, संध्या कह रही बी का, बी का या फिर बीएन का, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग किसका बना रहे थे, बीएन का ग्राफ बना रहे थे ना। बीएन क्या था, बीएन था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी, बी का नॉर्मल कंपोनेंट, यानी बी का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में हो। बात समझ में आया, यानी जो बीएन का डायरेक्शन होगा किसी भी सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। बीएन का डायरेक्शन किधर होगा, बीएन का डायरेक्शन, बीएन का डायरेक्शन जिस सरफेस से बीएन पास करेगा उस सरफेस पर बीएन क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो। बीएन क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी, यानी नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस से, जिस सरफेस से बीएन पास करेगा उस सरफेस पर बीएन क्या बनाएगा, एक नॉर्मल बनाएगा ना, क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। अब यहां पर जब बीएन नॉर्मल बनाएगा तब अगर हम लोग डायरेक्ट बीएन को प्लॉट करना चाहें, डायरेक्ट बीएन को, तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो हमारा ग्राफ बीएन का बिल्कुल अलग आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, कैसे आएगा, बात समझ में आया। देखो यहां पर समझने की कोशिश करना है, यहां पर देखो लिख लेना, ए बीएन इज, बीएन को ही हम लोग क्या कह रहे थे, बीएन को ही हम लोग कह रहे थे, बीएन को ही कह रहे थे हम लोग बी ऑफ थीटा, और बीएन के साथ जो थीटा एसोसिएटेड होता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एंगल। तो आप बीएन नहीं कहेंगे, अब हर जगह पर पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में बी ऑफ थीटा ई कहेंगे, हर जगह पर क्या कहेंगे, बी ऑफ थीटा ई कहेंगे पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन। अब बीएन नाम भूल जाओ, अब मैं लिखूंगा हर जगह पर बी
ब्रैकेट में थीटा आई, बी एन हमारा ऐसा ही मिला था ना, देखो इस तरह से, और बी एन के साथ जो एंगल आएगा वो तो हमारा थीटा ही आएगा, तो बी एन क्या लिखोगे, बी एम साइन थीटा के जगह पर थीटा ई, नहीं इलेक्ट्रिकल एंगल होगा ना बी एन के साथ, तो बी एन इज फंक्शन ऑफ थीटा ई, इसी को हम लोग लिखते हैं बी ऑफ थीटा ई, यानी थीटा के जगह पर हम लोग बी एन में थीटा ई लिखेंगे, ठीक है थीटा ई सही था। तो देखो यहां पर कहने का मतलब क्या है, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं, बहुत बढ़िया आप समझो, देखो बी एन क्या है हमारा, बी एन इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी, बी एन इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी, मीन्स बी एन और बी ऑफ थीटा ई मैक्स नॉर्मल ऑन द सरफेस थ्रू विच इट पासेस। बी एन क्या है, बी एन हमारा बी का नॉर्मल कंपोनेंट है, यानी नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में, तो जिस सरफेस से बी एन पास करेगा उस सरफेस पर बी एन क्या बनाएगा, नॉर्मल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बस सिंपल सा ये बात मैं बोला था, ठीक है तुम लोग को, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन रखो, वीडियो ऑन रखने से क्या होगा कि तुम लोग क्या कर रहे हैं तो हमको दिखेगा, कोई उधर हंसते रहता अब उधर 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 मुस्कुराते रहेगा सब, और इधर हम चिल्ला रहे, समझ में कहां से आएगा। हेमा को देखो, हेमा दो चार साल पर एक दिन वीडियो ऑन करती है, क्यों हेमा इतना बोलते हम सुनाई नहीं देता तुम लोगों को, मार खाने वाला काम करते हो तुम लोग, बच्चा तो नहीं कोई मरेगा, साहिम देखो ये हमारा ओरिजिनल स्टूडेंट है, शुरू से लास्ट तक एक जगह पर बैठा रहता है, वीडियो ऑन करने से ही होगा कि तुमको डर रहेगा कि सर देख रहे हैं, अगर इधर हंसे बोले किसी से बात कर लिए थोड़ा घूम फिर के आ गए तो हम देखते रहेंगे ना यहाँ से। चलो देखो अब पूछ लेते हैं, सर लाइब्रेरी में, अच्छा चलो तब कोई बात नहीं, तब तुम्हारे लिए है मैम आप। अभिषेक ये समझ में आया क्या, बोलो अभिषेक का बात समझ में आया, समझ में आया तो सही सही बोलना, नहीं तो फिर से बताएं, नहीं आया समझ में, बी एन क्या है, बी एन क्या क्या लोगे, देखो ये सरफेस है, ये सरफेस है अभिषेक, देखो ये सरफेस है, इसका नॉर्मल एरिया किधर होगा, नॉर्मल एरिया किधर होगा, इधर होगा, और इस नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में क्या होता है, बी एन होता है कि नहीं होता है बोलो, तो बी एन भी सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, वही चीज तो लिखे है, वही लिखे है ना कि बी एन नॉर्मल कॉम्पोनेंट है, यानी बी एन हमेशा नॉर्मल एरिया के डायरेक्शन में होगा, तो जिस सरफेस से बी एन को आप देखोगे उस सरफेस पर बी एन क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बी एन, एक नॉर्मल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है संतोष तुम मजा ले रहे हो क्या, क्यों मजा ले रहे हो बेचारा सरफेस तुम इधर उधर मत देखा करो, बात क्या करो पढ़ाई टाइम में, हम तुम लोग को पढ़ाते टाइम ना पूरा फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके कि समझा पाए तुम लोगों को, देखो अब सबको समझ में आया, किसी को डाउट नहीं आया यहां पर,
अब यहां पर देखो ध्यान से देखो, जैसे अगर हम लोग एक सरफेस लिए, ध्यान से देखना, जैसे हम लोग एक सरफेस लिए, इस तरह का सरफेस है, ऐसा सरफेस है, दिस इज द सरफेस। अब इस सरफेस से नॉर्मल किधर होगा, इस सरफेस से नॉर्मल किधर होगा, कैसे होगा नॉर्मल इस सरफेस के, बताओ, ध्यान दो बताओ। जैसे इस सरफेस पर यहां पर एक लाइन खींचे, ऐसे, क्या ये लाइन इस सरफेस पर नॉर्मल है, क्या ये लाइन इस सरफेस पर नॉर्मल है, ये लाइन ये वाला सरफेस है, मान लो ये कोई सरफेस है, ये वाला सरफेस है, और यहां पर एक ये लाइन है, ये लाइन सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि कम बना रहा है, देख लो, कहीं भी एंगल चेक करना हो वहां पर एक्सिस ले लो, जैसे यहां पर एंगल चेक करना है, क्या क्या हो जाता, हम क्या क्या बताए, टेढ़ा मेढ़ा बनने लग जाते। देखो यहां पर एक एक्सिस लो, ऐसे एक एक्सिस ले लो, यहां पर देखो तो 90 डिग्री एंगल है, क्या है 90 डिग्री, यानी ये लाइन इस सरफेस पर 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है ना। उसी तरह से एक लाइन यहां पर लो, ऐसे ये वाला लाइन बताओ, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, नहीं बना रहा। यहां पर भी एक सरफेस ले लो, ऐसे, दिस इज द सरफेस, ये देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है, ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा आ रहा है ना, 90 डिग्री नहीं, यानी अगर ये दोनों फ्लक्स लाइन हो तो क्या हमारा बीएन का लाइन पैरेलल लाइन होगा, क्या बीएन का लाइन पैरेलल लाइन होगा, क्या बीएन क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है जिस सरफेस से निकलता है, तो बीएन हमारा कैसा होगा एक्चुअल में, एक्चुअल में बीएन जो होगा हमारा, देखना यहां से बीएन कुछ ऐसा दिखेगा ना, देखो इस तरह का अगर हम सरफेस ले लें, ए वाला एक सरफेस है, देखो ए वाला सरफेस है, इस सरफेस पर एक लाइन ऐसे बना दो, अब इसको 90 डिग्री कहोगे कि नहीं कहोगे, एक इस सरफेस पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ए 90 डिग्री है कि नहीं है, देख सकते हो यहां से, यहां पर एक्सिस बनाओ, आप एक्सिस बनाओ और आप देखो ए वाला एंगल कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, वाला 90 डिग्री पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 45 45, 90 दिख रहा है, यहां पर भी एक एक्सिस बनाओ, ऐसे एक एक्सिस यहां पर ड्रॉ करो, ऐसे ए वाला, अब देखो इस लाइन और इस सरफेस के बीच में कितना डिग्री एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला लाइन लिए थे और सरफेस के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है कि नहीं है, अभिषेक से इधर मत देखो, खुद कॉपी पर ड्रॉ करो, एक सरफेस बनाओ और एक लाइन, उस सरफेस और लाइन के बीच का एंगल देखो बनाओ, नहीं तो यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, एक्सिस वाला को ही लाइन समझ लोगे, किसको किसको इसमें डाउट है, हाथ उठाइए, अब कोई बोलेगा नहीं, देखो डाउट बहुतों को होगा लेकिन बोलेगा नहीं, फिर से बताएंगे, पूछो बता,
सत्यजीत जी, सत्यजीत जी, विनय तुम समझा, समझ गया है बात को? नॉर्मल सरफेस कितना हो सकता है, जितना मन करे उतना लाइन ड्रॉ करो। इनफिनाइट हो सकता है, कितना हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है। ये बात क्लियर हुआ? देखो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर हम लोग परेशानी में फंस जाएंगे, ठीक है? 90 डिग्री मस्ट है तभी तो नॉर्मल को होगी, ठीक है? अभिषेक बात समझ में आया क्या? फ्लैश कह रहा सर बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया फ्लैश, बहुत बढ़िया। कल एक शक्तिमान आया था, आज वो गायब है, एक बैटमैन था वो भी गायब है, लग रहा दोनों गायब हो गए। अच्छा फ्लैश कह रहा हम ही थे, कौन शक्तिमान तुम ही था, दोनों हम ही थे कह रहा दोनों तुम ही थे। अरे वाह गजब, ठीक है। जैसे देखो एक सरफेस इस तरह का, थोड़ा अपोजिट ले लो, देखो एक सर्कल बना लो, जो सर्कल का रेडियस होता है ना वो सर्कल के सरफेस पर हमेशा नॉर्मल बना, बात समझ में आया? सर्कल का जो रेडियस होता है वो सर्कल के, जैसे ये वाला एक सेमी सर्कल ले लो ऐसे, यहां पर नॉर्मल किधर होगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ करें ताकि नॉर्मल हो। ध्यान से देखना, देखो अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं यहां पर इस तरह से, तो यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर, ए लाइन देखो इस सरफेस पे नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल है यहां पर चेक कर लो, एंगल चेक कर लेते हैं। यहां पर एक्सिस बना दो, यहां पर एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दे, जहां भी जरूरत पड़े ना एक्सिस बना दो, बहुत छोटा सा है देखना ध्यान से, ये वाला एंगल कितना दिख रहा है इस सरफेस और इस येलो वाले लाइन के बीच में जो हमारा मेन लाइन था, एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 45 इधर 45 इधर, 90 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है? एक लाइन अगर यहां पर मैं कहूं तो एक लाइन अगर ऐसे आ रहा तो ये भी क्या होगा, कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल सरफेस पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये वाला यहां पर भी चेक करना है तो क्या ले लेंगे, इस तरह से एक्सिस ले लो इसके पॉइंट पर, यहां पर देखो ये कितना डिग्री का एंगल होगा, इस सरफेस से इस लाइन के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, यही होगा ना, 90 डिग्री होगा। छोटा सा दिख रहा है, बड़ा करके दिखाएं क्या, ठीक है? देखो यहां पर देखो, इसे बात समझ में आया,
तो अगर डायरेक्ट हम बीएन को प्लॉट करना चाहें, डायरेक्ट बीएन को, तो कैसा मिलेगा ग्राफ बताओ। देखो यहां पर, अब ज्यादा इस समय झमेला नहीं करना है, देखो सबको नीट एंड क्लीन बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम एक्चुअल बातों को नहीं समझ सकते। यही इलेक्ट्रिकल मशीन में देखो, नेटवर्क जो ग्राफ है ना, डायग्राम, डायग्राम हमारा अच्छा बनना चाहिए। इस तरह से अब यहां पर देखो ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल और इधर है हमारा साउथ पोल। फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब यहां पर अगर हम लोग बी ऑफ थीटा को दिखाना चाहें, जैसे यहां पर अब थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा ही जब समझ गए हैं, तो अगर मान ले ये वाला पोजीशन थीटा इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो बी ऑफ थीटा ही कैसे आएगा बताओ? जिस सरफेस से निकलेगा, जैसे नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स निकलेगा वो कुछ नॉर्मल बनाते हुए साउथ पोल में जाएगा, साउथ पोल पर भी ये नॉर्मल बनाएगा, उसी तरह से नॉर्थ पोल से जो निकलेगा इस तरह साउथ पोल पर जाकर इस तरह से नॉर्मल बनाते हुए जाएगा, और यहां नॉर्थ पोल से जो निकलेगा वो भी नॉर्मल बनाते हुए ऐसे जाएगा। यानी दिस इज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी ऑफ थीटा, ये हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बी ऑफ थीटा ई का हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से ये नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकल रहा है, देखो नॉर्थ पोल वाले सरफेस पर 90 डिग्री एंगल है, तीनों बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये तीनों ही सरफेस से जहां से निकल रहा है ये नॉर्मल बना रहा, साउथ पोल पर भी ये तीनों लाइन बना रहा हमारा नॉर्मल बना रहा, इस तरह से बना रहा है कि नहीं बना रहा है बोलो। तो ये हमारा नॉर्मल बी का डिस्ट्रीब्यूशन बी ऑफ थीटा, ठीक है। सर प्लीज ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए सत्यजीत भाई। अब क्या बात है, अब पीछे इतना तुम लोग ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लाइन कर करके दिखाया, किस काम के लिए दिखाए थे हो? वो क्या था? इसी दिन के लिए दिखाए थे ना, के दिन आएगा हमारे जिंदगी। अब उतना पेशेंस नहीं होता है, जवाब दे देता है आदमी का पेशेंस। देखो सत्यजीत, ये वाला जो है यहां से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वाला भी यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, ये लाइन भी यहाँ से जो फ्लक्स लाइन जा रहा है ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। इस तरह से ये वाला भी यहाँ पर
यहाँ पर ये वाला भी आके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी नॉर्मल बना रहा है। ये वाला भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला भी चेक कर लो, ये सब को चेक कराए हम, ये 90 डिग्री एंगल यहां से बना रहा। यानी जिस सरफेस से बी निकला उस सरफेस पर क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, यानी ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रहा। अब आप बोलोगे सर फ्लक्स लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है, लेकिन इस तीनों यहां पर कट कर दिया, तो भाई ये जनरल फ्लक्स लाइन नहीं है, ये फ्लक्स का नॉर्मल कंपोनेंट है, ये फ्लक्स डेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ठीक है, अब थोड़ा वेव फॉर्म बनाओ, आप वेव फॉर्म वी ऑफ थीटा का डायरेक्ट वेव फॉर्म, अब यहां पर ये नहीं देखना है कि बीएन कहां पर कितना आएगा, क्योंकि ये लाइन खुद ब खुद बीएन का लाइन है। तो यहां पर टॉपिक लिख लेना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से, ठीक है, ऐसा देखो यहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लिए, ये है कोई पॉइंट वन, यहां पर एक पॉइंट ले लिए, दिस इज पॉइंट टू, यहां पर एक पॉइंट ले लिए थ्री, दिस इज फोर, ये वाला हमारा है फाइव, ये वाला यहां पर है सिक्स, फिर से वन, ठीक है, फिर से वन, ठीक है, इस तरह से पॉइंट ले लो। अब बनाओ इसका ग्राफ, देखो पॉइंट ले लिए, अब बताओ देखो वन से टू के बीच में कोई फ्लक्स कोई लाइन फील्ड का आएगा क्या, वन से टू के बीच में कोई फील्ड का लाइन आएगा, कोई फील्ड का लाइन वन से टू के बीच में, वन से टू के बीच में तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो पीएन है वो नॉर्मल बनाते हुए पास कर जाएगा ऊपर ऊपर, नहीं तो वन से टू के बीच में कंचन, वन से टू के बीच में कोई लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, वन से टू के बीच में आएगा भी नहीं, ठीक है, वन से टू के बीच में कोई बीएन का लाइन हमारा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां से जो भी लाइन होगा यहां से नॉर्मल बनाते हुए इधर की तरफ चल जाए, और यहां से जो भी आएगा वो साउथ पोल में चला जाएगा, यानी वन से टू वाले रीजन में, इस रीजन में कोई फ्लक्स लाइन नहीं आएगा, आएगा बी एन, ठीक है। तो चलो देखो हम लोग बना लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में देखो तो देखो यहां पर अगर हम लोग एक ग्राफ बनाना चाहें, किसका ग्राफ बना रहे हैं, बी एन का, अब मैं बी एन का ना छोड़ दूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा बी ऑफ थीटाई वर्सेस थीटाई, ठीक है, इस तरह से ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर वन से टू के बीच में ए पॉइंट वन है,
दिस इज द पॉइंट टू से ए वाला थ्री है हमारा, ए यहाँ पर फोर है, ए फाइव, फाइव यहाँ पर ऐसा लिख लो फाइव, फिर ए फाइव से सिक्स, फिर से इधर कहीं वन आ जाएगा, ठीक है, ए वन आएगा ऐसे इस तरह से। तो वन से टू के बीच में कोई बी का नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आएगा वन से टू के बीच में, ठीक है। लेकिन टू से थ्री के बीच में देखो, टू टू थ्री, दो से तीन के बीच में देखो, ध्यान से यहां पर देखना आप लोग, देखो दो से तीन के बीच में क्या हो रहा है, ध्यान से पूरा केयरफुली यहां पर देखो, दो से तीन के बीच में किसी एक लाइन को उठाओ, किसी एक लाइन को आप कंसीडर करो, जैसे मैं इस वाले लाइन को कंसीडर कर रहा हूं, ए वाला लाइन हमारा कहां कहां से पास कर रहा है बताओ, ये तो रोटर है, ये रोटर मान लो कि आयरन का बना हुआ, ये सॉलिड आयरन है, इस तरह से सिलेंड्रिकल रखा हुआ है एक सॉलिड आयरन, ये सॉलिड आयरन है यानी ये पूरा आयरन है, ये लाइन कहां कहां पर पास कर रहा है, कुछ तो ये आयरन में जा रहा है, यहां पर देखो यहां से यहां तक आयरन में गया और फिर यहां से यहां तक किसमें गया, एयर में गया ना, गया कि नहीं गया, गया, कुछ आयरन में जा रहा है कुछ एयर में जा रहा है। अब यहां पर इस फील्ड लाइन को किसका रिलक्टेंस डिसाइड करेगा, इसका फ्यूचर कौन तय करेगा, एयर का रिलक्टेंस या फिर आयरन का, कि दोनों का, एयर का, बहुत बढ़िया सब लोग बताओ एयर। तो यहां पर हम लोग केवल एयर का रिलक्टेंस देखेंगे, ठीक है, और किसी का नहीं। अब देखो दो से तीन के बीच में, दो से तीन के बीच में एयर गैप लेंथ कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, दो से तीन के बीच में एयर गैप का लेंथ, ये वाला एयर गैप लेंथ, ये वाला हर जगह पर क्या दिख रहा है बताओ, हर जगह पर क्या दिख रहा है, एयर गैप का लेंथ हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट, दो से तीन के बीच में एयर गैप का लेंथ क्या है, कांस्टेंट है ना। तो एयर गैप का लेंथ जब कांस्टेंट है तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी आएगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब लेंथ कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी एयर गैप का एरिया भी फिक्स है, लेंथ और एरिया जब फिक्स है एयर गैप का, तो एयर गैप का रिलक्टेंस भी फिक्स होगा, रिलक्टेंस फिक्स होगा तो फ्लक्स फिक्स होगा, फ्लक्स फिक्स होगा तो यहां से फ्लक्स डेंसिटी भी कहेंगे कि फिक्स होगा। मैं लिखूंगा इसको क्योंकि ऐसे भाषण देने से तुम लोग शायद ना समझ पाओ, तो देखो एक जगह पर मैं लिख दूं, कहां पर, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो बिटवीन वन टू टू, बिटवीन वन टू टू, एक सौ एक से दो के बीच में बी ऑफ थीटा ये हमारा जीरो है, बिटवीन टू टू थ्री, दो से तीन के बीच में एयर गैप, एयर गैप लेंथ, एयर गैप लेंथ ये हमारा कांस्टेंट है दो से तीन के बीच में, तो जो रिलक्टेंस होगा हमारा, रिलक्टेंस ऑफ एयर, ए कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट एमएमएफ पर फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी बी ऑफ थीटा ई भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अपने डायग्राम में देख के बोलो आप लोग, थ्री से फोर के बीच में क्या होगा, बिटवीन थ्री टू फोर क्या होगा, थ्री से फोर के बीच में देखो बी ऑफ थीटा ही क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा,
यहां तक क्लियर है? थ्री से फोर के बीच में वी ऑफ थीटा ही कितना आएगा? जीरो आएगा। और फोर से फाइव के बीच में बोलो आप लोग, फोर से फाइव के बीच में, हाँ थ्री फोर फाइव, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही बहुत बढ़िया, यानी बिटवीन फोर टू फाइव। फोर टू फाइव के बीच में भी बी ऑफ थीटा ही जीरो, और फाइव से सिक्स के बीच में क्या होगा? बिटवीन फाइव टू सिक्स, बिटवीन फाइव टू सिक्स, फाइव से सिक्स के बीच में क्या होगा? कॉन्स्टेंट, बिल्कुल। फाइव से सी के बीच में, सिक्स के बीच में आप देखना कि एयर गैप फिक्स्ड है आपका, एयर गैप कॉन्स्टेंट है। जब एयर गैप कॉन्स्टेंट है तो रिलक्टेंस ऑफ एयर ए भी कॉन्स्टेंट होगा, तो बी ऑफ थीटा ही क्या आएगा हमारा, ए भी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब कौन सा रह गया? सिक्स टू वन, सिक्स से वन के बीच में क्या दिख रहा है? बिटवीन सिक्स टू वन, सिक्स से वन के बीच में बी ऑफ थीटा ही हमारा जीरो दिख रहा है। देखो यहां पर मैं पूरा लिख दिया हूं एकदम सजा सजा के, केवल बोल के नहीं छोड़ा हूं। ठीक है, इसमें बोलो किसी को कोई डाउट है तो। यहां पर अगर हम लोग अपना ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे साउथ पोल के अंडर में पॉजिटिव ले लो तो नॉर्थ पोल के अंडर में क्या आएगा? निगेटिव। ग्राफ देखो हमारा कुछ ऐसा ही बनेगा ना, ये वाला ग्राफ बनेगा कि टू से थ्री के बीच में ये आएगा कुछ कांस्टेंट, टू से थ्री के बीच में बी ऑफ थीटा ही हमारा कांस्टेंट। साउथ पोल के अंडर में पॉजिटिव ले लेते हैं, फिर थ्री से फोर जीरो, फोर से फाइव जीरो, फाइव से सिक्स के बीच में यहां पर कांस्टेंट आएगा, नॉर्थ पोल में नेगेटिव तो साउथ पोल में पॉजिटिव, कुछ इस तरह का। ये साउथ पोल के अंडर में और ये नॉर्थ पोल के अंडर में, ये फाइव है और यहाँ पर पॉइंट सिक्स, तो फाइव टू सिक्स के बीच में यही बी ऑफ थीटा ही हमारा कांस्टेंट मिला, और यहाँ पर टू से थ्री के बीच में भी कांस्टेंट मिला इस तरह का। ये ग्राफ क्लियर है? सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को?
आप देखो यहाँ पर अभी और अच्छा लगेगा, इंतजार करो तुम लोग, अभी बहुत कुछ धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, एक चीज हम लोग अभी भी यहाँ पर मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं बताओ? इस पूरे एनालिसिस में एक चीज को हम लोग छोड़ दिए हैं अभी तक, इसीलिए हमारा एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करते हैं उसको। किसको छोड़े हैं, किस चीज को छोड़े हैं बोलो? वो छोड़े हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट को। किसको? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट का भी इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत रोल होता है, ठीक है। या फिर कहीं पर भी जहां पर सरफेस एनालिसिस हो, वहां पर कॉर्नर अपने आप में एक रोल निभाता है, ठीक है। तो यहां पर एक ग्राफ बना लिए होगे आई थिंक आप लोग, ठीक है। देखो यहां पर, देखो आप लोग ये बीच में जानते हो, ये तुम लोग का ये चला आता है। देखो यहां ऊपर कॉर्नर पॉइंट, देखो यहां पर एक कॉर्नर पॉइंट है कि नहीं है? एक कॉर्नर यहां पर बना कि नहीं बना? एक कॉर्नर यहां पर बना कि नहीं बना? एक कॉर्नर यहां पर, एक कॉर्नर यहां पर, और एक कॉर्नर यहां पर। ये चार कॉर्नर पॉइंट यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कितना कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है? चार। फोर कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है ना? चार कॉर्नर पॉइंट है। अब इस कॉर्नर से भी जो फ्लक्स निकलेगा वो कॉर्नर पर क्या बनाएगा? नॉर्मल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्योंकि यहां पर संध्या करिए फ्लक्स डेंसिटी हाई होती है कॉर्नर पर। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद तुम जानती होगी। हाँ, कह सकते हो कि कुछ वहां से फ्लक्स हमारा ज्यादा एरिया से निकलता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉर्नर पर क्या नॉर्मल? हाँ, यही तो बात है कि कॉर्नर से भी जो यहां पर फ्लक्स डेंसिटी जाएगा वो कॉर्नर पर नॉर्मल बनाएगा, क्योंकि नॉर्मल वाले बी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब कॉर्नर पर नॉर्मल किधर होगा बोलो? कॉर्नर इज ए पॉइंट। कॉर्नर क्या है? देखो कॉर्नर, कोई पूछे कि कॉर्नर क्या होता है तो आप क्या कहोगे? कॉर्नर इज पॉइंट। सिंपली कॉर्नर क्या होता है? एक हमारा पॉइंट होता है। तो जैसे एक हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई पूछे कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा बोलो? पॉइंट पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? पॉइंट पर नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? ज्योमेट्री पढ़े हो आप लोग? नॉट डिफाइंड। सहीम खान कह रहा है कि सहीम कह रहा है नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सहीम का आंसर जो है वो सही। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हाँ, संध्या करे डिफाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो पॉइंट पर कोई पूछे कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा तो आप कहोगे कि एनी थिंग ऑन द पॉइंट कैन बी कंसिडर एज ए नॉर्मल। पॉइंट पर अगर कुछ भी ड्रॉ करे, पॉइंट पर उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। कॉर्नर इज ए पॉइंट, और लिख लेंगे एनी थिंग, एनी लाइन, एनी लाइन और कर्व, और कर्व टचेस द पॉइंट, टचेस द पॉइंट कैन बी कंसिडर, कैन बी कंसिडर, कैन बी कंसिडर एज नॉर्मल टू दैट पॉइंट। अब पॉइंट पर नॉर्मल किधर होगा उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे कि कोई भी कर्व या लाइन जो किसी पॉइंट को टच कर रहा हो वो पॉइंट पर नॉर्मल बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम लोग को पढ़ाते टाइम हमको बहुत डर लगा रहा था।
लेकिन तुम लोग एक्चुअल में सब वही स्टूडेंट हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो और पढ़े हो पहले से, नहीं तो इलाहाबाद में पढ़ाना मैं मानता हूं कि अपने आप में जंग लड़ने के बराबर है। हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, सही बता रहे हैं, हम कसम खा लिए थे कि कभी इलाहाबाद में जीवन में पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, हो गया। इलाहाबाद के लड़का थोड़े कोई होता है, अपने यूपी बिहार के लड़के होते हैं। ठीक है, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा हूं, इंडिया का कोई ऐसा सिटी नहीं है जहां पर मैं जाके क्लास नहीं लिया है सोचो, लेकिन सबसे कम अपना यूपी बिहार में मैं पढ़ाया, सबसे ज्यादा मैं राजस्थान में पढ़ा, राजस्थान में पढ़ा के बहुत मजा आता। इलाहाबाद में कहा, इलाहाबाद में एक्सलेंट के नाम सुने हो? वहीं पर हम पढ़ाते थे, कुछ दिन रहे हम हाथ पैर जोड़ के वहां से भागे, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूरा पैसा वसूल करते हैं। हाँ अरे मत पूछो, पागल बना देता है सब। कोई बोलेगा हिंदी में डिफरेंशियल लिखिए, अब हिंदी में देखो, हम लोग हिंदी में पढ़े नहीं। हाँ बगल वाले बिल्कुल 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 सत्य जी। ठीक है, चलो देखो आप ध्यान दो यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर इलाहाबाद में मैं बहुत पहले से पढ़ाता रहा हूँ, एक कोचिंग हुआ करता था वहां पर, अब नहीं है, वहां पर एक ही गेट का कोचिंग था आईफा, तो वहां पर पढ़ाते थे हम लोग, एमएनआईटी वगैरह का स्टूडेंट होता था बहुत जबरदस्त। तो वो एक 2015-15 की बात है, उसके बाद वो सब बंद हो गए। ठीक है, चलो देखो कॉर्नर एक पॉइंट होता है, अब कॉर्नर पर नॉर्मल किधर होगा, आप लोग सर पता नहीं है, इधर ड्रॉ करे भी नॉर्मल है, इधर ड्रॉ करे भी नॉर्मल है, इधर भी, यानी कुछ भी ड्रॉ करे इस पॉइंट से, इस सब क्या है इस पॉइंट पर, सब क्या है इस पॉइंट पर नॉर्मल है, नहीं सब यहां पर नॉर्मल है कि नहीं है, बोलो यहां पर है सब नॉर्मल है। तो यहां से अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, आप समझ गए होगे तुम लोग पूरा बढ़िया से, यहां पर देखो ध्यान से, जैसे इस नॉर्मल से जो फ्लक्स निकलेगा जिस डायरेक्शन में भी जाए, इस कॉर्नर से जो फ्लक्स डेंसिटी निकलेगा जिस डायरेक्शन में भी जाए वो नॉर्मल बनाएगा। तो बताओ फ्लक्स हमारा इधर जाना चाहेगा कि इधर जाना चाहेगा, किधर जाना चाहेगा फ्लक्स, इधर या इधर, अब तुम लोग किधर बताओगे? तो इधर तो देखो, इधर तो एयर है, उसको हवा दिख रहा है, तो एयर में तो कभी फ्लक्स जाना नहीं चाहता, फ्लक्स हमेशा आयरन में जाना चाहता है, तो यहां पर फ्लक्स जाएगा नहीं, फ्लक्स कहां पर जाएगा हमेशा इस रोटर आयरन में। तो इस तरह से एक कॉर्नर फ्लक्स यहां पर हमारा चला आएगा, ज्यादा मत दिखाओ, दो दो लाइन दिखा लो, नहीं तो ये डायग्राम जो है ना ये थोड़ा गंदा हो जाएगा हम लोग का। इस तरह से ऐसे दिखा दो, ऐसे इस तरह से। इस फ्लक्स को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फ्लक्स। इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिंजिंग फ्लक्स। ये जो कॉर्नर के वजह से फ्लक्स थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, इस तरह से थोड़ा सा उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, फ्लक्स लिंकिंग एरिया, उसको हम लोग फ्रिंजिंग फ्लक्स कहते हैं। और जगह पर भी फ्रिंजिंग फ्लक्स का इफेक्ट देख सकते हो, जैसे ये वाला आयरन कट किए थे याद है,
आयरन को कट करके एयर बनाए थे। तो यहां पर भी देखो फ्रिंजिंग फ्लक्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। इस कॉर्नर पर, यहां पर कॉर्नर है, यहां पे कॉर्नर, जहां पे कॉर्नर है वहां पर थोड़ा फ्रिंजिंग फ्लक्स आएगा। ये नॉर्मल फ्लक्स है और इस तरह से फ्रिंजिंग फ्लक्स थोड़ा सा हमारा ज्यादा क्रॉस सेक्शन में फ्लो करता है। दिस इज द फ्रिंजिंग फ्लक्स एयर में, एयर फ्रिंजिंग फ्लक्स, इसको फ्रिंजिंग फ्लक्स कहते हैं। देखे हो कभी, ये आंखों से थोड़े फ्लक्स देखता है, देखेंगे हम लोग। दिस इज द फ्रिंजिंग फ्लक्स। ठीक है, बात क्लियर है यहां पर? अब बताओ सारे लोग, देखो बहुत सारा तो गायब भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास 3 पर आए तो पहले इसको तो खत्म करते हैं। क्या करें, बाद में आओगे, छोड़ दें? चलो अब इसको तब यहीं पर छोड़ देते हैं इस एनालिसिस को, ठीक है? इसको कंप्लीट कर दें। देखो एक ग्राफ ऐसा बन जाएगा, तुम लोग घर से सोच कर आना कि सर ऐसा कैसे बना दें। यहां से अब एक ग्राफ जो है हमारा 1 से 2 के बीच में फ्लक्स आ जाएगा, और देखना जब 1 से 2 के तरफ चलेंगे तो ये फ्लक्स इंक्रीज करेगा, 3 से 4 के तरफ जाएंगे तो एयर गैप बढ़ेगा, फ्लक्स डिक्रीज, 4 से 5 के बीच में इंक्रीज बट निगेटिव। इस तरह का कुछ ट्रेपोजॉइडल वेव फॉर्म हमारा मिलेगा। दिस इज द एक्चुअल बी वेव, दिस इज द एक्चुअल बी वेव, एक्चुअल बी वेव, ये हमारा एक्चुअल बी वेव है। ये कैसे बना है आप लोग देखना, 1 से 2 के बीच में रिलक्टेंस घटेगा, 1 से 2 के तरफ जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, 3 से 4 के बीच में फ्लक्स घटेगा, 4 से 5 के बीच में बढ़ेगा बट निगेटिव में। इसी तरह से इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है? कैसे हुआ है इसको समझा दूंगा, एक बार आप लोग समझ के आना, बना लो, इसलिए मैं बना दिया कि फिर वहां पर ना बनाना पड़े। ये समझ में आ गया? समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, घबराना मत। ये कैसे हुआ, ठीक है? कैसे 1 से 2 के बीच में बढ़ा, कैसे 3 से 4 के बीच में घटा, मैं दिखा दूंगा। एक्चुअल बी वेव, इसको कहते हैं ट्रेपेजॉइडल बी वेव, ठीक है? तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट 8 बजे, 8 o'clock पर, ठीक है? खाना पीना बना के खा के रेडी रहना है, मत बोलना कि भूख लग गया है सर। चलो चलते हैं, बाय सबको।